और कानून के जरिए उसे सजा देना, जेल में कैद कर लेना। आज भी बहुत सारा वैसा वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल साइट पर आए दिन कि जहां जोर जबरदस्ती कर गरीबों को पुलिस सताते हुए नजर आते हैं। भारतीय कानून सिस्टम, आज हम इस पर बात करते हैं कि जो भारतीय कानून सिस्टम है वो भारत के आम नागरिकों के लिए कहां तक सही है। मेरे नज़रिए में अगर देखा जाए तो ये कानून गरीबों के लिए और लॉयल फैमिली के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। कुछ वैसे भारतीय कानून हैं जो गुलामी के समय से ही अभी तक भारत में चलते आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया हुआ था, तो उसने यहाँ पर कुछ कानून लागू किया था। उस कानून का लागू करने का उसका बस एक ही उद्देश्य था कि जो यहाँ के आम नागरिक हैं उसे उसके अनुसार सिस्टम को चलाने के लिए उनका कोई विरोध नहीं करे, और जो उनका विरोध करे या यहाँ का सरकारी खजाना लूट कर अपने इंग्लैंड ले जाने में जो उसका विरोध करे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना और कानून के जरिए उसे सजा देना, जेल में कैद कर लेना। आज भी ऐसा ही कुछ कानून है जो कि 1947 से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है और वो आज भी हमारे देश पर लागू है। कुछ कानून वैसे हैं जिसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है, उनके प्रारूप को चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो पुलिसिया रूल है, जो पुलिसिया नियम है, वो उनके जहन में अभी भी बैठा हुआ है। वो पुलिसिया रूल अभी भी आम गरीबों पर, नागरिकों पर लागू होता है। बहुत सारा वैसा वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल साइट पर आए दिन कि जहाँ जोर जबरदस्ती कर गरीबों को पुलिस सताते हुए नज़र आते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनसे ज़बरदस्ती पैसा ऐठा जाता है कानून का डर दिखाकर, कानून के डंडे का डर दिखाकर। तो पुलिस वाले के अंदर ऐसा लक्षण क्यों है, इस पर हम आज बात करते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर अपना कानून स्थापित किया था तो उस समय भारत के ही नागरिकों को सिपाही में रखा जा रहा था। जो भी आदमी थे भारत के ही, हिंदू मुसलमान जो भी थे, वो लोग यहाँ पर अंग्रेजी फौज के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके जो अधिकारी होते थे, जो कमांडर होते थे, वो सभी अंग्रेज थे, लेकिन निचले स्तर का जो भी सिपाही था वो सभी हिंदुस्तानी ही थे उस समय। इन्हीं सिपाहियों के बीच में 1857 के बीच जब धीरे धीरे देश में अंग्रेज़ों का विरोध होना चालू हो गया था तो हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच एक मुद्दा लाया गया था जिसे आप लोग सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कि जो कारतूस होता था जिसे दांत से खींचा जाता था वो कारतूस चर्बी का बना होता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे थे इस अंग्रेज के इस कारतूस वाले मैटर पर। वहीं से क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहां से अपना पलायन कर गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह इंग्लैंड सरकार पूर्णतः भारत पर अपना राज्य कर चुका था। पुलिसिया कानून उस समय से उनका लागू हो चुका था। उसके बाद वो बहुत सारे बदलाव किए यहाँ पर भारत में, उसने अपना कानून लागू किया, वो यहाँ पर अपना शिक्षा नीति भी लागू किया है। वो शिक्षा नीति उसका क्या था कि यहाँ के लोग भले उसके वो यहाँ हिंदुस्तानी हो लेकिन उसका जो माइंड है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंग्लैंड को सपोर्ट करे, उस तरह का शिक्षा व्यवस्था उसके साथ उसके लिए किया गया था। तो वही सब रूल अभी के भी सिपाही में भी हैं, हम कहीं भी नहीं देखे हुए हैं आज तक। जो बड़े अधिकारी कहीं से दलाली लेते हैं या घूस लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनका एक जरिया होता होगा या वो पर्दा के पीछे ही ऐसा करते होंगे, लेकिन जो निचले तबके के विभाग के आदमी हैं, पुलिस हैं, सिपाही हैं, जो रोड पर आए दिन जनता को परेशान करते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं, ट्रेन में पैसे ऐंठते हैं, हाईवे पर पैसे ऐंठते हैं, बहुत सारे वैसे जगह हैं जहाँ पर वो अपना कानून का डर दिखाकर पैसा ही ऐंठते हैं। तो ये सब सिस्टम गरीबों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम देखते हुए हैं कि जो रुपए पैसे वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर वो कोई गलत कांड भी कर देते हैं तो पैसे के बल पर उनका मैनेजिंग हो जाता है, उनका कानून उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से सत्ता और शासन के दो चक्कियों में पीस दिया जाता है। समय समय पर किस तरह से पुलिस वाले एक गरीबों को सताते हैं, रिक्शे वाले को सताते हैं, ठेले वाले को सताते हैं, और ऐसे ही लोग इनका आए दिन शिकार बनते जाते हैं। तो ये सब कानून गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन जब किसी नेता का या रैली होता है, किसी नेता का कहीं पे गांव में आगमन होता है तो हम देखते हैं कि वैसे लड़के जिनके पिता सब दिन किसानी किए हैं या गरीबी का ज़िंदगी बिताए हैं, मजदूरी किए हैं, उनके जो 17 साल 18 साल के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें उतना ज़्यादा माइंड में ये सब नहीं होता है कि ये सिस्टम क्या है कानून का। वो उनके पीछे झंडा लेकर, तिरंगा लेकर रैली में दौड़ते तो हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद उन्हें कानून संबंधी या उनके आज़ादी संबंधित कोई भी वैसा मुद्दा उठकर नहीं आता है। और आए दिन देखना पड़ जाता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के लोग दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए निकलते हैं, काम के लिए निकलते हैं, और
अपने हाथ पर हाथ धरे अपने पिता के ही कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ना तो वो सत्ता से जीत पाते हैं और ना ही वो शासन से जीत पाते हैं, वो गुलाम के गुलाम ही बने रह जाते हैं। वीडियो और भी लंबा बना सकते हैं हम, लेकिन मेरा टॉपिक आज चेंज हुआ है और इस टॉपिक पर लगातार वीडियो हमको डालना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ सत्ता और शासन के को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है और ये टॉपिक मेरा निरंतर चलता ही रहेगा। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करें।